नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, यानी कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से टेली प्राइम जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का कोर्स किया है और आप एज ए अकाउंटेंट के लिए जॉब की तलाश में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, हम CGST टैक्स, SGST टैक्स और IGST टैक्स, यानी कि तीनों टैक्स एक साथ परचेज वाउचर पे या फिर सेल वाउचर पे हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे इसी YouTube चैनल के व्यूवर्स को पूछा गया था जब उन्होंने कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, उनसे ये प्रैक्टिकल करवा के भी देखा गया, अभी आप हमें सेल वाउचर की एंट्री करके बताओ और इस वाउचर में आप तीनों टैक्स एक साथ लगा के दिखाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, तीनों टैक्स एक साथ यहाँ पर कैलकुलेट भी हो गए और यहाँ पर जो टैक्स है वो तीनों टैक्स आ रहे हैं, CGST टैक्स, SGST टैक्स और IGST टैक्स। तो दोस्तों, तीनों टैक्स एक साथ कैसे कैलकुलेट हुए, किस तरीके से उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, ये आपके लिए काफ़ी जानना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे भी पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। क्योंकि आजकल जब भी इंटरव्यू अकाउंटेंट जॉब के लिए होता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता भी आप हमें पेमेंट वाउचर की एंट्री करके बताओ या रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करके बताओ, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आजकल पूछने कंपनी वालों ने बंद कर दिए। बिल्कुल ही हाई टेक्निकल टैक्सेशन के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को एंड तक आप देख लेते हो तो ये आपका जो डाउट है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल तरीके से हम आपको करके बताएंगे तीनों टैक्स की कैलकुलेशन उन्होंने किस प्रकार से करी है, जैसा कि हमारी उनसे बात हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आई, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों को जागरूक करें। क्योंकि फ्रेशर अकाउंटेंट होता है वो एजे जब किसी इंस्टीट्यूट में टेली जैसे सॉफ्टवेयर को सीख रहा होता है, तब उसका माइंड एक अलग होता है। जब वो किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा होता है, तब उसका माइंड एक अलग टाइप का हो जाता है। और इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें कि फ्रेशर तो क्या, एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के भी दिमाग का जो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो इंटरव्यू लेने होते हैं वो सामने वाले जो इंटरव्यू देने वाला है, जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसी का केवल यही IQ चेक करते हैं, उसका यही कॉन्फिडेंस चेक करते हैं भी इस बंदे को अकाउंट से संबंधित कितना का नॉलेज है, टैक्सेशन से संबंधित कितना का नॉलेज है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था भी, उनसे ये क्वेश्चन किया गया था भी तीनों टैक्स एक साथ लगा के दिखाओ और ये कब लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए तो एक बहुत ही हाई मतलब लंबी चौड़ी बात होगी, क्योंकि तीनों एक साथ टैक्स कभी यूज हो ही नहीं सकते। और उनसे जब ये कहे आप हमें सेल वाउचर की एंट्री करके बताओ और आप तीनों टैक्स एक साथ कैलकुलेट करो, तो दोस्तों उनका जैसे कि हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने टैक्स की जो कैलकुलेशन करी थी वो किस तरीके से करी थी, हम एक सेल वाउचर को ओपन करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल सेल वाउचर की एंट्री कर लेते हैं, अगर हमारी लोकल की परचेज है तो हमें पता है, जैसे हम CGST टैक्स, SGST टैक्स को सेलेक्ट करते हैं, टैक्स की कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब उनसे ये बात बोला था भी आप तीनों टैक्स एक साथ लगाओ, तो उन्होंने क्या किया, IGST टैक्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद में जितना SGST टैक्स और CGST टैक्स है उन दोनों को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद के अंदर ये 2808 रुपये का IGST टैक्स उन्होंने मैनुअल रूप से कैलकुलेट कर दिया। तो दोस्तों, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है भी हम वन टाइम के अंदर यह तो हमारा IGST टैक्स लगेगा तो CGST और SGST टैक्स हमारा नहीं लगेगा, अगर CGST टैक्स और SGST टैक्स लगेगा तो IGST टैक्स है जो कैलकुलेट कभी नहीं होगा। तो ये हमारे लिए एक कॉमन सेंस की बात है ताकि हमें और कॉन्फिडेंस के चक्कर के अंदर जल्दबाजी के अंदर हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको जवाब सवाल को बहुत ही केयरफुली सुनना होता है और उसका बहुत ही सोच समझ कर हमें जवाब देना होता है। क्योंकि अब तीनों टैक्स एक साथ पूछ ली तो तीनों टैक्स एक साथ का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि CGST टैक्स और SGST टैक्स हमारी इंट्रा स्टेट की जो सप्लाई है, यानी कि विद इन स्टेट, जैसा कि हम राजस्थान में हैं और हम राजस्थान से गुड राजस्थान के अंदर ही सेल कर रहे हैं तो CGST टैक्स और SGST टैक्स को यूज करेंगे। अगर मान लीजिए हमने अदर स्टेट के साथ ये ट्रांजेक्शन करी है, यानी कि राजस्थान के अलावा अगर हमने अदर स्टेट को ये गुड्स जो सेल किए उस कंडीशन के अंदर हम CGST टैक्स और SGST टैक्स को यूज नहीं करेंगे, उस कंडीशन के अंदर हमारा केवल जो IGST टैक्स है वो अकेला ही यूज होगा। हालांकि टैक्स की कैलकुलेशन पे जो टैक्स की अमाउंट है वो हमारी बिल्कुल सेम रहनी है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम दो टैक्स ले रहे हैं,
1404 रुपये और 1404 रुपये, यानी कि टैक्स की टोटल की अमाउंट 2808 रुपये है। और उस कंडीशन के अंदर भी 2808 ही रहेगा आउट ऑफ स्टेट की कंडीशन के, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर हम CGST टैक्स और SGST टैक्स को यूज नहीं करेंगे। और इस कंडीशन के अंदर हमें एक बात ध्यान में रखनी होती है, जो हमारे पास यहाँ पर कस्टमर हमने सेलेक्ट किया, यानी कि पार्टी अकाउंट नेम के अंदर जिसको हमने सेल किया, उसका जब लेजर हम क्रिएट करेंगे तो उसका विशेष हमें ध्यान रखना है, ये जो स्टेट है ये हमें आपका जो खुद का स्टेट है उसके अलावा जो जिस पार्टी जिस स्टेट से ही बिलोंग करती है पार्टी, उस स्टेट का ही नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज जैसे कि मान लीजिए आपने लेजर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर दिया लेकिन स्टेट आपका जो खुद का स्टेट है वही आपने सेलेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर की जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पर ये CGST की जो ट्रांजेक्शन है ये ऑटोमेटिक वहाँ पर नहीं उठाएगा। और आपको ये हमेशा रखना चाहिए भी जो IGST के अमाउंट है यानी कि जो टैक्स के अमाउंट है वो ऑटोमेटिक ही आए। अगर आपने हाथ से लिख रहे हो, मान लीजिए टैक्स है 1404 रुपये भी आपने हाथ से लिखे हैं, ये 1404 भी आपने हाथ से लिखे हैं, इसके मतलब आपकी जो प्रॉपर अकाउंट्स की जो सेटिंग है वो सही हो नहीं रही, यानी कि आपने प्रॉपर या तो लेज़र सही तरीके से क्रिएट नहीं किया या फिर आपने जो ट्रेडिंग लेज़र जो हमने क्रिएट करते हैं वो आपने लेज़र सही तरीके से नहीं बनाया या फिर आपने यहाँ पर जो टैक्स क्लासिफिकेशन की जो डिटेल है वो आपने सही सिलेक्ट नहीं करी, यानी कि वो आपकी सेल टैक्सेबल है या फिर इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल है। अगर आपकी आउट ऑफ स्टेट है तो उस कंडीशन में हम इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछने वाले ने इस तरीके से क्वेश्चन आजकल कंपनी वालों ने पूछना स्टार्ट कर दिया है इंटरव्यू के दौरान में, यानी कि नॉर्मल एंट्री तो बिल्कुल अब बहुत दूर की बात होगी, उसको कुछ पूछता ही नहीं है। पहले ऐसा होता था भी आप टेली के अंदर कंपनी क्रिएट करके दिखाओ या आप हमें एक पेमेंट वाउचर की एंट्री करके दिखाओ तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे अकाउंटिंग का काम और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, टैक्सेशन का काम और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो अब अकाउंटिंग से रिलेटेड भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े दिमाग भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत ही केयरफुली ध्यान में रखना होता है। अब यानी कि अकाउंटिंग सीखते वक्त हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान में रखना होता है भी हमें कौन सी गलती कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान सवाल क्या पूछा जा रहा है, हमें उसका जवाब किस तरीके से देना है, जो सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल एक्चुअल में सही है भी नहीं या नहीं है, तो हमें सारी बातें सोच समझ कर ही इसका जवाब देना होता है। तो दोस्तों इसी कारण उनको ये चीज़ रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने जो टैक्स की कैलकुलेशन करी थी वो CGST और SGST टैक्स के अमाउंट को जोड़ के और ये मैनुअल रूप से यहाँ पर अमाउंट को लिख दिया, तो इसकी वजह से उनको रिजेक्ट होना पड़ा। क्योंकि जब उनको इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि हम तीनों टैक्स एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब जब उन्होंने स्टडी करी थी, जब किसी इंस्टीट्यूट से वो अकाउंटिंग का कोई कोर्स कर रहे थे तो प्रॉपर उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस के साथ उन चीज़ को नहीं सीखा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें।